सारी अपनी खाली पई है जितो आप मुंजी चुकी है ना हूं सानू दसो कि काश्त की करिए जनाब ताड़ी जमीन खाली है ना हाँ जी ते मौसमिया तलके मौसम ही अगे खुश करना है अच्छा जी ते बड़ी अल्लाह दी नेमत है अच्छा मौसम खुश करेगा अच्छा ते सानू मौका मिल गया है हाँ जी असी खाली जमीन चल चला के ना हाँ जी ते जनाब छट्टा दे दियो गंदम दा अच्छा गंदम नहीं बीजनी ते जई काश्त कर दियो अच्छा साडे वास्ते बहुत अच्छा मौसम है हाँ जी ते जल्दी जल्दी कर लो अच्छा हाँ जी ताकि वो जी ना पछेती वाला मसला भी ताडे लई ना दबे हाँ जी तुसी ज्यादा देर ले ना करो एक तो बत्तर ताडा उनू का कोशिश करो ज्यादा ज्यादा फायदा चको बत्तर दा हाँ जी ते दूसरा ये है के वो पछेती भी नहीं होगी ताडी पछेती नहीं होगी लेकिन नमी तो ही रहनी है हाँ जी ते असी तरह चला के गंदम काश करो अच्छा चल साहब जिमे मतलब आने वाले दिन ती कह रहे हो कि बारिश कोई नहीं जो शिताले चुले पानी लाना है उनके बारे दसूंगा अगर है बिल्कुल जनाब ये चौधरी साहब दसन गए कि खाद पा के ना क्यों जी बिल्कुल खाद पाओ ताकि मवेशियों का भी चाय का इंतजाम हो सके ते उन्हें की करना है जनाब खाद पाओ ठीक है मौसम दे अगे खुशक फिर कोशिश करो कि नहरी पानी नहीं है ट्यूबवैल का इस्तेमाल करो तो पानी लाओ क्योंकि ताड़ी ना अगे तुहानू पता कि चटाला एक साड़ी प्योर जिहड़ी है ना जानवरां दे चारे लई फसल काश्त कीती जांदी है ताकि ताड़े ओ छेती पैदावार होवे ते चारे दा मसला ना होवे जानवरां देखो जी गल है ना कि मैं अपनी गंदम वक्त से काश्त करना हाँ जी मौसमी आदि पेशन गोइयां देखदे होए हां हाँ जी मेरी गंदम निकल भी आएगी बाहर हाँ जी अगेती अगर असी फसल ए वक्त नाल काश करांगे ना ते साडा झाड़ भी अच्छा हुंदा है गंदम दी फसल चने दी फसल बहुत अच्छी होगी ते तुसी ए दसो कि आलू तुहाडे तैयार हो गए ने कि नहीं हां जी आलू तकरीबन साडे दे तैयार है ना बिल्कुल सो साडे आल भी जिहड़े आलू दी फसल है ना बिल्कुल तैयार आ सानू चाहिदा इहदे लई थोड़ी जी तुसी रहनुमाई करो साडे जिम्मेदार भरावां जी के सानू उन आलू दी फसल हुण छेती तों छेती कटाई जनाब आलू दी कीमत काफी है हां जी मार्केट च जदों असी इकट्ठे सारे जने आलू पटांगे ना हां जी हां जी ते इहदी कीमत घट जांदी है हां जी रेट बड़ा घट हो जांदा हुण जिहड़ा भी बंदा आलू पट के मंडी लाएगा ना रेट भी अच्छा मिलेगा लेकिन उहदा फायदा इह होएगा के खाली खेतां च असी गंदम या चारा काश कर सकने आ जमीन जल्दी खाली होगी ना और दूसरी गल है कि असी सब्जियां भी ला सके जिवें शलजम काश कर लो गाजर छेती काश कर लो क्योंकि फरवरी च और मार्च गाजर की बड़ी मांग हो जाती है हुण जो असी गाजर काश करांगे ना तो उदो लोग जूस ज्यादा पींदे ने गाजर की कीमत भी वध जांदी है और नाल तुसी कर लो काश अपनी गोभी धनिया ए सारिया सब्जियां ना आलू की जिहड़ी जमीन खाली होंदी उहदे काश करो छोड़ साहब गन्ना की साड़ी फसल है जी भी तकरीबन हो गई है तैयार होगी कटाई भी शुरू हो गई है कोई मिलां भी हुण तां चल रही है सानू थोड़ा जिम्मेदार भरावां नूं थोड़ी जी रहनुमाई करो कि इहदी अगर असी कटाई करदे हां तां उहदी भी जमीन खाली होनी उहदे विच असी की काश हुंदे चाहे गंदम वाफर मकदार च मुल्क च गंदम होएगी ते मुल्क खुशहाल होएगा ते अल्लाह ताला दी रहमत ते मौसमियां ताले ते कहंदे ने बार बार कहंदे ने कि ऐ मौसम इस तरह दा रहना है मौसम अगले महीने इस तरह दा रहना है अगले हफ्ते इस तरह दा रहना है ते असी मौसमियां दीआं खबरां सुणदिआं होईआं उहनां दी पेशनगोईआं ते अमल करदिआं होईआं ना असी अपनीआं फसलां ते काश करिए ना ते सानूं फायदे ही फायदे ने अगर असी थोड़ी जी कोताही करने आ ते फिर साडा थोड़ा थोड़ा बहुता ना नुकसान होने का अंदेशा होंगे क्योंकि हम देखो अगर असी
ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਨਿਕਲਾਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮੋਕ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ, ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੋਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਗਾਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਸਦਾ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਵਸੇ ਸੋਨਾ ਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।